क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को इबरतनाक शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली मरतबा टेस्ट मैच जीतकर तारीख उलट पुलट कर दी। घर में घुस के बांग्लादेश ने मारा है, अपने घर में बुला के नहीं, हमारे घर में आके ना, और पिच भी हमारे मतलब की बनी हुई थी, उधर भाई पटाखे के साथ हमें मारा है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान के। इस तरह बच्चों की तरह मार खा रहे हैं, बच्चों की तरह मार नहीं खा सकता पाकिस्तान टीम, बट पाकिस्तान टीम इज बीइंग हैमर्ड। कि पाकिस्तान आज 23 साल बाद बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गया। जी सर साहब, ये हमारी क्रिकेट की ये सियासी जो हालात खराब है, इसका असर दूसरी चीजों पे भी पड़ता है। टीमा साहब, जब आप क्रिकेट की टीम के अंदर पहलवान कुश्ती वाले रख लें तो फिर वो इस तरह ही होता है ना। सिफारिशी सारे बच्चे हैं, दोस्तों यारों के बच्चों को ले आए जो जिनको गुल्ली डंडा भी ना खेलना आता हो, तो आप कहें जी ले टेस्ट मैच खेल दे तू, T20 खेल। वो कुश्ती वाले पहलवान को निकाल दिया उन्होंने, तो दूसरे साथ वो दूसरे भी होंगे, कबड्डी वाले होंगे, वो जो मोटा पहलवान। अफसोस होता है यार, आप देखो बांग्लादेश टीम, बांग्लादेश कोई माइनो नहीं कंसिडर कर सकते, अच्छी टीम है बांग्लादेश, बट जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड टूटा है, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है, जिस तरह की सिलेक्शन हमने की है, और जिस तरह का आवे का आवा हमारी क्रिकेट का बिगड़ा हुआ है, इतनी शर्मनाक हार हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में नहीं मिली यार। विकेटों से बांग्लादेश आपके होम टर्फ के ऊपर आपके करके गया हो, मेरे ख्याल बंद कर देनी चाहिए। इस टीम को रखने का जवाब है आपके पास। अब मैं ही समझता हूं कि अब रेडिकल डिसीजन इसलिए लेने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट को लेने पड़ेंगे। मैनेजमेंट कम अंडर हैवी फायर, क्योंकि वहां की सूरत हाल क्या थी इस सीरीज से पहले, क्या पार्टीज ही चल रही थी जो हमने वर्ल्ड कप में किया, या कुछ काम किया जा रहा था? शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात किया। शुएब अख्तर ने बोला है कि जब आप खुली छूट दोगे, जब आप जो वो सर्जरी बोल कर नहीं करोगे, शुएब अख्तर ने डायरेक्टली बात किया है कि आप इंडिया से सीखो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 25 अगस्त का दिन पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने ही घर में उसे बांग्लादेश से करारी हार झेलनी पड़ी है। टेस्ट इतिहास में ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ पहली हार है। 448 रन बना के अपनी पहली पारी घोषित करने के बावजूद पाकिस्तान हार गया। अपने देश में मचे सियासी उलटफेर से झेल रहे बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। नजमल हसन की कप्तानी में बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को कोई टेस्ट में हराया है। घर में खेले गए पिछले 9 टेस्ट में पाकिस्तान की यह पांचवी हार है। जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान पाकिस्तान एक भी मैच जीत नहीं पा रहा है। पिछले 9 मैच में से 4 मुकाबले ड्रॉ हो गए और 5 मैच पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान टीम का खराब प्रदर्शन देख पाकिस्तान तिलमिलाया उठा है। पाक मीडिया ये बोल रहा है कि हमारे सारे प्लेयर पर्ची पर आए हैं, इनको मैच खेलना नहीं आता, इनको मैच नहीं इनको कुश्ती खिलाओ, पाकिस्तान को अब मैच खेलना बंद कर देना चाहिए, अब हमारे बस की बात नहीं है क्रिकेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कि पाकिस्तान आज 23 साल बाद बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गया। जी सर साहब, ये हमारी क्रिकेट की ये सियासी जो हालात खराब है, इसका असर दूसरी चीजों पे भी पड़ता है। और कई लोग कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब को लगा दिया, इंटीरियर मिनिस्टर भी है। नहीं, वो कोई लगे, उन्होंने क्या लगना था उसको। टीमा साहब, जब आप क्रिकेट की टीम के अंदर पहलवान कुश्ती वाले रख लें तो फिर वो इस तरह ही होता है ना। सिफारिशी सारे बच्चे हैं, दोस्तों यारों के बच्चों को ले आए जो जिनको गुल्ली डंडा भी ना खेलना आता हो, तो आप कहें जी ले टेस्ट मैच खेल दे तू, T20 खेल। वो कुश्ती वाले पहलवान को निकाल दिया उन्होंने, तो दूसरे साथ वो दूसरे भी होंगे, कबड्डी वाले होंगे, वो जो मोटा पहलवान कुश्ती वाले निकाले, उसके और दूसरे जीत रख ली। 10 विकेटों से बांग्लादेश आपके होम टर्फ के ऊपर आपके करके गया हो, मेरे ख्याल बंद कर देनी चाहिए। इस टीम को रखने का जवाब है आपके पास। क्रिकेट को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्रिकेट में स्वाय आपको मुर्शिद पाक देने के तीसरी चीज कुछ नहीं थी। आप अब अर्शद नदीम को प्राइम मिनिस्टर बनाएं और इनको सबको बांस की छड़ियां दें, इनको सारे नजे सटड़े। मेरे ख्याल में क्लोज द क्रिकेट टीम खत्म करें। जैवलिन का रवाज है भाई आजकल, इनको बांस दे दें। हाँ, इनको बांस दें, मारे फेंके सारे, और अर्शद नदीम को प्राइम मिनिस्टर बनाए आप। दूसरे पाकिस्तान का मुराल ठीक है? मुझे ये बताएं, मैंने अगले दिन किसी से न्यूयॉर्क में बात कर रहा था तो उसने कहा तार साहब आप हमेशा जो बड़े जज्बाती होते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा पे, गुस्सा नाइन पे करा किया करें। मैं क्यों? कहते हैं जी इस फैक्ट्री से आए, उस फैक्ट्री का लाभ देख लें आप डायस्पोरा पे क्यों पिसा रहे, जिस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है उसके हालात देख लें क्या है। मैं बिल्कुल अब स्पीचलेस।
तो ये क्रिकेट टीम की जो बात आप करें, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना, दूसरे पाकिस्तान में क्या चीजें ठीक हो रही है अगर इसने ठीक करना है। चीमा साहब, दर हकीकत आपको इस वक्त सीरियस पाकिस्तानी लोगों की जरूरत है, जो पाकिस्तानी हो, जिनके बच्चे पाकिस्तान में हो, जिनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी हो, जिनके ख्वाब सारा दिन लंदन और दुबई के ख्वाब ना आए उन्हें, वो लोग इसके मसले का हल ढूंढ सकते हैं। ये जो आपके जितना इस वक्त आपका रूलिंग एलीट है पाकिस्तान, उनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता इन्फ्लेशन का। चीमा साहब, आप पाकिस्तानी ढूंढे पाकिस्तान के अंदर, अगर को मिल सके, अगर को है अभी भी पाकिस्तान के अंदर को पाकिस्तानी, तो ढूंढे वो किधर है, उसको आगे लेकर आए और वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखे, जिसके बच्चे भी वहीं पड़े हों, जिसके घर भी वहां, जिसके माँ बाप भी वहां। यही एक प्रॉब्लम है और पता है लोगों को ये प्रॉब्लम क्या है, पता है सबको। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। जितनी महंगाई इस वक्त चीमा साहब, अगर आप करप्शन नहीं कर रहे, अगर आप कच्चे के डाकू नहीं है, तो आपके हालात खराब। आप बिजली यू कैनॉट अफोर्ड बिजली, यू कैनॉट अफोर्ड पेट्रोल देयर इन पाकिस्तान। आप रोटी खाएंगे या पंखा चलाएंगे, आप क्या करेंगे? पंखा चलाए रोटी नहीं खा सकते, रोटी खाते तो पंखा बंद हो जाता। मैं सारा दिन पाकिस्तान की खबरें पढ़ता हूँ, सारा दिन आपके साउथ एशिया के ऊपर तवज्जो है। आज भी मैं सारा दिन चाइना की चीजें डिस्कस कर रहा था कि कोविड के बाद किस तरह वहां से सीईओ सारे अपनी कंपनियां लेके भाग रहे हैं, और उसके बाद ताइवान के आसपास जो घेरा डाला है, हाउ चाइना इज सफरिंग एंड वहां की रियल स्टेट इंडस्ट्री किस तरह ताले लगे पड़े वहां, जिन्होंने तरक्की करके देख ली, आपने तो वो प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, घटिया क्रिकेट टीम, दो टके की क्रिकेट टीम, भाई जान बांग्लादेश से भी फिर चुकी है। मतलब घर में घुस के बांग्लादेश ने मारा है, अपने घर में बुला के नहीं, हमारे घर में आके ना, और पिच भी हमारे मतलब की बनी हुई थी उधर, भाई पटाखे के साथ हमें मारा है। इसके ऊपर पाकिस्तान में मतलब हर बंदे ही तपो है। तकरीबन शुएब अख्तर की बात करूं मैं, वसीम अकरम की बात करूं मैं, आप जावेद मियांदाद उस टकले की भी बात कर लो अगर आप, मतलब सबसे ज्यादा बंदा तपा हुआ है ना, मतलब राशिद लतीफ और शुएब अख्तर, इन दो लोगों को मैं देख रहा हूँ कि भाई काफी तपे हुए। ऑब्वियसली बात है ना, अब शुएब अख्तर एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर, वो देख रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर स्पिनर बने हुए हैं, भागते हुए स्पिनर हैं, उनसे बॉल ही नहीं हो रही, किसी से रनअप कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई 130 से ऊपर नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली बंदा तपेगा ना। पाकिस्तान बांग्लादेश से पहली बार हारा है, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से हिस्ट्री में टेस्ट पहली बार हारा है, ये बांग्लादेश की पहली जीत थी एज अ टेस्ट की पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऑब्वियसली बात है हर बंदा तपेगा ना। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की है, शुएब अख्तर ने बोला है कि जब आप खुली छूट दोगे, जब आप जो वो सर्जरी बोल कर नहीं करोगे, जब आप प्लेयर्स का साथ दोगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर इस तरह की चीजें होंगी। शुएब अख्तर ने डायरेक्टली बात की है कि आप इंडिया से सीखो, आप इंडिया से सीखो कि किस तरह सीनियर प्लेयर की मौजूदगी में उन्होंने जूनियर तैयार किए और अब वो वर्ल्ड क्रिकेट पे राज कर रहे हैं। आज कल यशस्वी जायसवाल का नाम है, शुभमन गिल का नाम है, अक्षर पटेल का नाम है, रियान परक का नाम है, हर बंदे का नाम चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का कहीं नाम नहीं चल रहा। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की, शुएब अख्तर ने बोला कि आप एक एक एज अ नेशन फेल हो चुके हो, आप अपनी टीम की बुराई उस तरह करते ही नहीं हो ना। ऑब्वियसली बात है ना, जब मेरा घंटे का जो किंग है, जो दो टके का बुब्जी है, वो पिछले 1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट में आधा 1.50 भी नहीं है उसका, तो वो किस मेरिट पे क्रिकेट खेल रहा है, वो किसकी पर्ची है, किसका लड़का है? बाबर आजम, बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करो। शुएब अख्तर ने, और अगर मैं बात करूं राशिद लतीफ, तो राशिद लतीफ ने भी बड़ी जबरदस्त बात की। राशिद लतीफ ने भी यही बोला है कि पाकिस्तान टीम में लाइक डिसलाइक का कल्चर बंद करना पड़ेगा, शहीन अफरीदी अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो शहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दो। इंडिया ने भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर दिया था, भुवी शहीन से 100 गुना बेहतर बॉलर था, भुवी की स्विंग आज तक उस जैसी स्विंग कोई नहीं कर पाया।